एक बार एक पंडित और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। वे एक छोटे से घर में एक नदी के किनारे रहते थे। वे बेहद गरीब थे और जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करते थे। पंडित अपनी पत्नी को कई सुख भोग देकर खुश करना चाहता था। एक दिन पंडित झील के पास बैठा था जबकि उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पंडित शांतिपूर्ण दोपहर में कुछ प्रार्थनाएं कर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि झील पर एक सुंदर सुनहरा हंस उसकी ओर आ रहा है। हंस के पास कई चमकीले सुनहरे पंख थे जो बहुत सुंदर थे। हंस नदी के किनारे चला गया और पंडित का अभिवादन किया। हे पंडित, मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत कठिन जीवन जीते हो। मैं आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत दयालु हो मेरे दोस्त। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। क्या वे असली सोने से बने हैं? जी, ये असली सोने के हैं। मैं आपको एक एक करके अपने सुनहरे पंख देकर मदद करना चाहता हूँ और आप उन्हें बेच सकते हैं। इसके जरिए जुटाए गए पैसों से आप लोग आसानी से आराम से रह सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है। कृपया हमारे नम्र घर में हमारे साथ आएं और रहें। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना बहुत पसंद करेगी। पंडित हंस को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी हैरान थी और अपने जीवन में कुछ सुख भोग पाकर बहुत खुश थी। पत्नी ने तुरंत पूछा, क्या आप हमें अभी एक पंख दे सकते हैं ताकि हम इसे देख सकें और इसे धारण कर सकें? हंस ने एक पंख निकाला और उसे पंडित की पत्नी को दे दिया। फिर उसने उसे कहा कि वह एक बार में एक से अधिक ना ले क्योंकि यह सही नहीं होगा। हंस पंडित और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। हर दिन उसने उन्हें एक पंख दिया और इस परेशानी के समय में बहुत मदद की। हंस चारों ओर उड़ता और उसे ऐसे देखना तो एक हसी नजारा था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और उन्होंने पैसे के लिए पंख बेचना शुरू कर दिया था। एक सुनहरे पंख ने उन्हें पर्याप्त पैसा दिया। पंडित अक्सर अपनी पत्नी को याद दिलाता था कि वे इस उपहार को पाकर बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई दिन बीत गए और एक दिन पंडित पंख बेचने के लिए बाजार गया। पत्नी घर में खाना बना रही थी जबकि स्वर्ण हंस कोने में सोया हुआ था। अचानक पंडित की पत्नी को एक विचार आया, यह हंस हमारे साथ कब तक ऐसे रहेगा? हमें तो बस इसके पंखों की जरूरत है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें इसे खिलाना है, स्नान कराना है और इसकी देखभाल भी करनी है। हम इस हंस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो यहाँ से दूर जा भी सकता है और फिर कभी वापस नहीं आया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। यदि मैं सभी पंख ले लूं तो क्या बुरा होगा? उसके सोते हुए मैं जल्दी से इसके सारे पंख निकाल लूंगी। हमें अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। हम पंखों को सुरक्षित रूप से संभाल कर रख सकते हैं और जब मन चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्नी धीरे धीरे हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। हंस भयभीत हो गया। पत्नी पंख खींचने की कोशिश करने लगी और हंस खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे तुम्हारी हालत की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सभी पंख मिलने तक का इंतजार नहीं कर सकती। अरे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मूर्ख औरत? मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक लालची महिला हो और तुम जीवन के सुख भोग के लायक नहीं हो क्योंकि तुम उनका दुरुपयोग करोगी। तुम्हारे पति तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन अब तुम अपना अवसर खो चुकी हो।
मेरी इच्छा के अनुसार मैं तुमको स्वर्ण पंख देता रहा। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पंख तुम्हारे लिए बस एक पक्षी के पंख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इस जगह से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। हंस ने वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर उसने पंडित की पत्नी को जोर से चोंच मारा और खिड़की से बाहर उड़ गया। पंडित बस घर में घुसा ही था जब उसने हंस को उड़ते देखा। तुमने हंस के साथ क्या किया? जी, मुझे इसके सारे पंख चाहिए थे और यह मुझे लेने नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें उन्हें नहीं लेने के लिए कितनी बार कहा था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब हम बाकी के जीवन जीने के लिए फिर से गरीब होंगे।